हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों। मैं दीपशिखा मैम आप सबको कुछ ऐसी ऐसी बातें बताने वाली हूँ, इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते हैं, जिसको हम इग्नोर करते हैं, तो उन सारी चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्यों इग्नोर नहीं करना है। तो जैसे ही हमारा बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उनसे बहुत सारी बातें करना शुरू करते हैं। फिर जब बच्चा बहुत अच्छे से बोलने लगता है तो फिर हम क्या करते हैं, उसको कुछ इंट्रोड्यूस कराते हैं सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, सिर्फ इंग्लिश बोलना, मतलब ABCD, इस पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। अगर हम कोई वीडियोज़ भी दिखा रहे हैं तो फिर क्या करते हैं, हम सिर्फ अल्फ़ाबेट्स लेटर्स के बारे में दिखाते हैं, जिससे जब बच्चा वीडियोस देखता है तो सिर्फ वो ABCDZ तक पूरा अल्फ़ाबेट सीखता है, फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। तो फिर क्या होता है कि बच्चा बहुत अच्छा से बोलने लगता है ABCD। फिर हम कुछ टाइम बाद नंबर्स इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर हम टॉफ़ीज़ चॉकलेट्स देते हैं बच्चों को तो हम पूछते हैं कि कितने टॉफ़ीज़ हैं ये। फिर बच्चा धीरे धीरे नंबर्स भी सीखने लगता है। फिर हम हाइड एंड सीक खेलते हैं उनके साथ, लुका छिप्पी। तो उसमें क्या होता है, बच्चों को हम काउंटिंग करना सिखा देते हैं, आप 10 तक काउंट करो, फिर मैं हाइड करता हूँ, मैं छिपता हूँ। फिर जब आपका 10 नंबर्स काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप हमारे पीछे आना और ढूंढना मुझे, मैं कहूँ। तो बच्चा नंबर्स भी 1 to 10 बहुत आसानी से सीख जाता है। और हम अल्फ़ाबेट्स पे, ABCD पे तो हम ध्यान देते हैं, ये शुरू से सिखाते हैं बच्चों को। लेकिन होता क्या है, हम वर्णमाला जो हिंदी होता है वो हम इग्नोर कर देते हैं, हम उस पर बिल्कुल ज़ोर नहीं देते हैं, हम बच्चों को उसको इंट्रोड्यूस भी नहीं कराते। मैं सारे पेरेंट्स को नहीं कह रही हूँ कि वो ये करते होंगे, मैं उनके लिए कह रही हूँ कि जो ये चीज़ करते हैं, जैसे वो उनको ध्यान नहीं आता, वो इंटेंशनली नहीं करते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि जैसे हम ABCD भी बच्चों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर मैथ्स नंबर्स यूज़ कर रहे हैं, तो हमें क ख ग ग भी पूरा स्वर अ आ ई ये उनको बताना है कि ये भी है जो आपको मतलब जानना है। उनको तो बताना नहीं, उनको ये भी इंट्रोड्यूस कर देना। अगर आप वीडियोज़ दिखाते हो तो आप स्वर का, व्यंजन का, वर्णमाला पूरा आप दिखाइए। होता क्या है, जब हम हिंदी को इग्नोर कर देते हैं तो अगर आप जानते हो तो अल्फ़ाबेट्स में सिर्फ 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से 5 वोवल्स होते हैं और बाकी 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। लेकिन अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो पूरा वर्णमाला होता है, मतलब वो 41 होता है और स्वर होते हैं 11। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा एक समूह है वर्णमाला, जिसको हम छोड़ देते हैं। और जब बच्चा खेलते कूदते ABCD नंबर सीख जाता है 10 तक, तो फिर क्या होता है, वो नर्सरी में जाने लगता है, फिर प्ले स्कूल से वो नर्सरी में जाता है। फिर क्या होता है कि हम तीनों सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं स्कूल में, तो बच्चा ABCD तो बहुत एंजॉय होके पढ़ता है, बहुत एंटरटेन होके पढ़ लेता है, क्योंकि वो घर में भी वो पूरा वीडियोस चलते हुए देखा, मम्मा पापा ने भी बात किया, नंबर्स भी वो 1 2 3 बहुत बहुत कंफर्टेबल वे में बच्चे पढ़ लेते हैं। लेकिन जैसे ही हिंदी सब्जेक्ट की बातें आती हैं तो बच्चे को वो बर्डन लगने लगता है, क्योंकि हमने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। हम यह चीज़ को इग्नोर करते हैं, अनदेखा करते हैं, जाने अनजाने में जो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए भी जो बेसिक होता है, बच्चों का जो बेस होता है, जो रूट होता है ना, जो जड़ होता है, ये तीनों सब्जेक्ट से बनते हैं आगे चल के सारे सब्जेक्ट। तो फिर वो वहाँ पे एक लूप होल की तरह बहुत बच्चे को प्रेशर में रखता है, पेरेंट्स को भी प्रेशर में रखता है। जैसे अगर होमवर्क्स मिलते हैं तो बच्चों को होमवर्क कराना मुश्किल होता है, क्योंकि इतना बड़ा क ख ग घ बहुत टफ होता है। अगर आप क ख ग घ लिखने की बात करें तो उसमें बहुत स्ट्रोक्स होते हैं, अप एंड डाउन, क क ख ग घ, अगर गया तक जाएं हम, पूरा 41 है, तो उसमें बच्चा बहुत परेशान हो जाता है, फिर वो इग्नोर करने लगता है। तो फिर जब होमवर्क मिलता है तो पेरेंट्स भी परेशान, बच्चा भी परेशान, मैथ्स का फटाफट कर लिया, हिंदी का फटाफट कर लिया, क्योंकि हम उसे इंट्रोड्यूस कराए हुए होते हैं। फिर जब हम रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं तो स्कोर करने की बात आए, मार्क्स तो हिंदी में वो स्कोर उतना नहीं कर पाते, क्योंकि बच्चा लिखना वो सुनता भी नहीं है उतना ज़्यादा जितना वो
अल्फ़ाबेट सुना हुआ होता है अपने बचपन में, जो प्ले टाइम होता है उसका, और वो क ख ग घ उतना उसके लिए सुना हुआ भी नहीं होता है, तो बच्चा कैसे लिखेगा स्टैंडर्ड 1 में या नर्सरी में। हाँ, ये बात सच है कि नर्सरी में ही बच्चा लिखना शुरू करता है, पढ़ना शुरू करता है। लेकिन फिर हम, अगर जो बच्चा घर में है, अभी स्कूलिंग नहीं शुरू किया है, तो क्यों हम ABCD पे जोड़ देते हैं, हम क ख ग घ पे क्यों नहीं? जब वो बच्चा नर्सरी में लिखना शुरू करता है तो उसके लिए वो टफ नहीं होता है, ना ही पेरेंट्स के लिए उतना परेशानी का कारण बनता है, और ना ही बच्चे के लिए वो सब्जेक्ट एज अ बर्डन फील होता है। और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बहुत प्राउड फील करते हैं जब मार्क्स आता है उनका तीनों सब्जेक्ट का, तो इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ होता है बच्चा, मैथ्स में भी कर लेता है, लेकिन हिंदी में स्कोर नहीं कर पाता है, तो प्राउड फील करके बच्चे कहते हैं कि भाई मेरा बेटा तो या मेरी बेटी तो बहुत अच्छा इंग्लिश में मार्क्स लाई है, मतलब मैथ्स में भी लाई है, लेकिन हिंदी में उसने उतना स्कोर नहीं किया। तो मैं बता दूँ, उस टाइम पर वो लैंग्वेज नहीं बोलता है उतना, इंग्लिश या हिंदी। तो जो मतलब जो बच्चे या पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं, तो ये बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ट्रबल हो जाता है उनके लिए कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे इंग्लिश पढ़ेंगे, हिंदी कैसे पढ़ेंगे। इंग्लिश तो वो बहुत कम्फर्टेबल है ये दो सब्जेक्ट के साथ। तो हमें बैलेंस बनाकर बचपन से, जब बच्चा को हम ABCD इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो हमें 1, 2, 3 भी इंट्रोड्यूस करवाना है, और साथ में वर्णमाला भी इंट्रोड्यूस करवाना है जिसमें व्यंजन और स्वर है। तो इस तरह से हम जाने अनजाने में ये सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं और हम सिर्फ इंग्लिश पे ध्यान देते हैं। हमें लगता है जैसे कि अगर हम बच्चे को सिर्फ इंग्लिश बताएंगे ना, तो वो स्पीकिंग करने लगेगा, उसके लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम स्टार्टिंग बेसिक, बच्चों का बेसिक नॉलेज के बारे में बात करें, बेस का बात करें, तो हमें तीनों सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है और हमें हिंदी को साथ में लेकर चलना है। बहुत सारे घरों में सारा चीज़ें टांग दी जाती है, छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप सब चीज़ें ज़रूर हैंग कर देते हो, इंग्लिश हिंदी मैथ्स, लेकिन पढ़ता बच्चा सिर्फ इंग्लिश है, हिंदी वो उतना समझ नहीं पाता, वो घबरा जाता है। अगर वो बड़े बड़े ब्लॉक्स में, आप 26 है अगर लेटर्स, तो बड़े बड़े ब्लॉक्स में हम हिंदी को 1 चार्ट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, लेकिन जैसे ही हम हिंदी का अगर हम वो चार्ट देखेंगे, तो क्योंकि 41 है पूरा व्यंजन और 11 स्वर है, तो वो बहुत छोटे छोटे ब्लॉक्स बन जाते हैं उस चार्ट में, क्योंकि उसका काउंटिंग तो ज़्यादा हो गया, नंबर्स ज़्यादा हो गया हमारा पूरा वर्णमाला का। तो इससे क्या होता है, 52 टोटल हो जाते हैं उस चार्ट में, हमें 52 एडजस्ट करना है, तो उसका जो फॉन्टिंग होता है, वो फॉन्ट साइड होता है, ऑटोमेटिकली वो छोटा हो जाता है, तो बच्चों का इंटरेस्ट उसमें नहीं आता, बहुत मतलब वो इग्नोर करते हैं, ये क्या है मम्मा, बहुत परेशानी होती है। लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस, हमें क ख ग घ को, वर्णमाला को हमें बचपन में ही उन्हें देना है। तो ये चीज़ों को हमें इग्नोर नहीं करना है, सारे तीनों सब्जेक्ट को हमें बैलेंस करके चलना है, ताकि ना बच्चे को परेशानी हो और ना हमारी पेरेंटिंग में कोई कमी रह जाए। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी आपको हेल्प किया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो, आप सब लाइक भी करो। सो थैंक यू, नमस्कार।